हिटलर क्यों पैदा हुआ, अपराधी देखो क्यों अपराध कर रहे हैं। अखिल इस झारखंड प्रदेश में पुलिस है, लेकिन आज पुलिस क्या कर रही है, हेमंत सोरेन ने पुलिस का किस प्रकार से दुरुपयोग करती है, आपको एक एक उदाहरण बता रहा हूं। क्या जिस प्रदेश के अंदर में या राज्य में पुलिस का काम होता है अपराधियों को पकड़ना, चोरों को पकड़ना, डकैतों को पकड़ना, गुंडों को पकड़ना, जेल में डालना, उनको सजा दिलाना, लेकिन आज इस प्रदेश के अंदर में जो अपराधी है, आज जो इस प्रदेश में जो पुलिस है, वो वसूली में हेमंत सोरेन ने लगा दी है। और जिस राज्य के अगर पुलिस वसूली में लगे हो तो फिर अपराध कैसे रोके, क्योंकि आज पैसे तो अपराधियों से पुलिस वसूल रही है। मैं लोगों से कहता हूं कि अगर पुलिस पैसा वसूली में लगेंगे तो अपराध बढ़ेगा, और अगर सिविल प्रशासन के लोग पैसे वसूलते हैं, अगर इंजीनियर पैसे वसूलते हैं तो काम की गुणवत्ता कम हो। तो प्रधानमंत्री आवास उन गरीबों को देते हैं जिनके पास आवास, जिसके पास झोपड़ी है, तो वो प्रधानमंत्री कभी भी गरीबों को किसी को नहीं उजाड़ेंगे। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि आप बेहिचक लोगों को आप कह सकते हो कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, और इस क्षेत्र से एमपी आपके सुनील सिंह जी है, और यहां से विधायक आपके कृष्ण कुमार दास जी है, तो कोई किसी को नहीं उजाड़ा जाएगा। ये आप विश्वास के साथ अब मोदी जी की ओर से, बाबूलाल मारंडी की ओर से आप जनता को आप कह सकते हो। हम यही कहने और यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। तो नहीं किया, और इस कारण से लोग हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एफिडेविट करके सरकार ने दिया था कि अगला कोई भी चुनाव होगी स्थानीय निकाय का, तो हम ट्रिपल टेस्ट करा करके ओबीसी वर्ग को हम रिजर्वेशन देंगे। लेकिन फिर इसके बाद नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत की जब चुनाव का समय आया, उन्होंने घोषणा कर दिया बिना ट्रिपल टेस्ट का, और फिर लोग कोर्ट गया, तो अब कोर्ट ने कहा कि आप हम कराएंगे, अब वो कराएंगे किससे, ओबीसी पिछड़ा आयोग से कराएंगे, लेकिन पिछड़ा आयोग भी अभी तक गठित नहीं किया है, अभी तक अध्यक्ष की नियुक्ति ही नहीं की है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।